देखो कैसे ऊपर से आ रही है। आ जा जा, चला जा चला जा चला जा। ये देखो एक कहा, ऐसे सब ढूंढने पड़ते हैं रोज। चल आ जाओ नीचे आ, आ चल नीचे आ। दानू वही है, रानी नहीं है। ये देखो एक ये एक ये, सब ढूंढने पड़ते हैं। देखो दानू नीचे बैठी है, उनके लिए फसकल मार के देखो कैसे ये लगा रहे उसको। कौन कौन है? दो बाबूले है, एक छोटी है और एक नया वाला, ये भुरू, ये भुरा नया है। अभी और आने के मेंबर बाकी है। और एक अभी नया दूसरा है, एक वो बाकी है, एक टूटूरा बाकी है, मतलब चार ना दो छह नहीं, एक बुजू अभी कहाँ गया है अल्लाह को मालूम। कल वो दुहाई देखो आया था वो, हाँ वो एक साथ आया, साथ में से एक गया बुजू, ऐसा लगता है। अल्लाह उसका हयात दे, अगर हो सके तो अल्लाह उसको लौटा दे। आनिया ने दूध लाया है, बच्चे लोग को दूध पिलाने वाली है। चिकन हो गया अभी दूध, चिकन खा के हो गया सबका। अभी देखो दूध निकाला है प्लेट के अंदर और अभी ये सब बच्चे लोग पिए। चला रखिया ना रखिया, दो मिनट देखो। टपक है टपक है, दोनों बाबू पिएंगे, दोनों बाबू ने दूध पी रहे हैं और बाकी अपना अपना पेट भर के सटकी मारने के पीछे है। लगता है उनको चिकन ही चाहिए था। इसका भर गया, कालू गई खा के, अभी खाली एक टूटूरा बचा है अपना। अभी ये कुत्तों को डालेंगे जो बचा है। अभी ये कुत्ते लोग को चला देखो पार्सल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे काम से लेके हर चीज हो गई है, सिर्फ खाना बचा है जो आखिर में बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है और हमारा मेहमान अभी तक पहुंचा नहीं है। और मेहमान के चक्कर में आज दानिश गए नहीं है, सबसे बड़ी बात। क्यों दानिश जी? हाँ ना, मेहमान के चक्कर में दानिश गए नहीं है, दानिश भी है और दानिश को थोड़ा सा यहाँ काम दिया है, वही कर रहे। क्या कर रहे हो? ये सब कचरा साफ करता हूं। यहाँ ये जो बास्केट रखती हूँ हमें, उसके अंदर सब जो वो सब लाके लाके सब रख देते हैं, तो वही उनको बोला कि उसको साफ करो, जो काम का है वही रखो, बाकी सब निकाल डालो। तो इस तरीके से उनको वो काम दिया है। तो दानू जी सलाम करोगे? जरूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह से और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, अपने अमाल में रखे, माला माल रखे। आमीन आमीन आमीन। तो इस तरीके से दानिश भी इंतजार में है, अभी देखते हैं वो कब आता है क्या होता है। और मैंने खाना बनाना भी स्टार्ट किया है, लाइट भी नहीं है, लाइट भी गई है एक घंटे से, है ना। और हाँ दानिश सुबह सुबह बाजार जाकर कुछ लेकर आए है, क्या लाया दानू बताओ ना? मैंने लाया हूँ मक्के टिटुले। इतने सारे दानिश मक्के लेकर आए हैं, कौले कौले खाने को बहुत अच्छे, एकदम छोटे छोटे जो कोला रहता है ना, एकदम उसका वो दूध भरा हुआ दाना रहेगा, है ना दानू? हाँ, और दूसरा किरकोल सामान लाया है, जो बाकी सब किरकोल सामान लाया, बता नहीं सकता हूँ। क्यों बता नहीं सकते? एक्चुअली मैं लगा चुकी हूँ सब कुछ और मैंने बाल नहीं बनाए, बाकी रेडी हो गई हूँ। तो चलो मैं खाना बना रही हूँ, दिखा देती हूँ आपको, वो भी है ना। खाने में बना रही हूँ गोश्त, गोश्त का सालन बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, है ना दानू? हमारा मेहमान भी खुश और हम भी खुश खिला के।
चीजें सब बाबरे अंदर या बाबरे हां छोटे वाली भी और बड़े वाली ये देखो भून लूंगी उसको के बाद पकाने छोड़ दूंगी। भूनने के लिए अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। देखते हैं लाते हैं लाई है ना बोलू देखो सलाम बोलिए। वालेकुम सलाम। कब आया था मुझे पता नहीं। तो ईश्वर के बात की थी। अच्छा अभी मैंने इसको चढ़ा दिया है। अभी क्या करूं मैं क्या बोलू क्या बताऊ। खाना हो गया रेडी और मेहमान हो गया फरार। फरार मतलब कैसे जरा बताओ। फरार मतलब हम लोग उसकी राह देख रहे हैं। उसने आज बोला भी था मैं आज आने वाला हूँ। दानू सुबह से उसके लिए दो दिन पहले से उसने बोला था आज का कि वो आ जाएगा। तो फिर कल रात में भी फोन आया कि हाँ मैं कल सुबह सुबह बहुत जल्दी निकलूंगा और आऊंगा। लेकिन अब भी जस्ट पता चला है कि वो नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे ही नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है। उनके यहाँ मैयत हो गई है जिसकी वजह से उसका आना कैंसिल हो गया है। पर वो कैसा है कि भोला भोला किस्म का आदमी है। बहुत सादा आदमी है। इसके लिए उसने फोन भी लगाने का जरूरी नहीं समझा। फिर आपकी फोन लगाया तो पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो आज आएगा कल आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कल रक्षाबंधन भी है ना। हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस में मेरी तरफ से भी। तो अभी हम दोनों ही खाना खा लेंगे। सही बात सही बात। हालांकि ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि हम ना बहुत एक्साइटेड थे उसके लिए। ये करो वो करो वो करो कितना कुत्ता हमने लाया भी है ना ननु तो इसके लिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं अभी मैयत हो गई तो उसको कुछ कर नहीं सकते अपन है ना। तो चलो फिर अभी हम ही मजे से खाएंगे गोश्त। ये रहा मेरा खाना एकदम रेडी है। देखो चावल सारे मैंने कितने सारे चावल वगैरह पकाए है। और ये रहा मेरा गोश्त का सालन बताती हूँ। ये देखो कितना सारा पकाया है मैंने। क्या करूँ क्योंकि मैं उनके हिसाब से पकाई थी ना। देखो सब पीस सब बड़े बड़े रखे थे मस्त। तो ये रहा। और ये कड़ी पत्ता दानिश मार्केट से लेकर आई थी। कुछ सामान बोला ना मैंने तो मैं लगा चुकी थी इसलिए मैंने बताया नहीं। तो ये कड़ी पत्ता मैंने धोकर रख दिया यहाँ पे। तो अभी क्या करूँ मैं इतनी चावलों का क्या करूँगी मैं समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारा खाना पकाया है मैंने। मेरा खाना पूरा रेडी है। कैसे सब हमारे यहाँ सो गए और टाइम सिर्फ 4:30 का हुआ है। दानिश भी सोए है। ये देखो लल्ला छोटी पुछुक नींद तो मुझे भी आई है लेकिन अभी थोड़ा काम है इसके लिए नहीं सोऊंगी। 4:30 हो गए। गरीब हो गई और अभी मैंने रखी चाय। चाय भी ऐसा समझो कि हो ही गई है ब्लैक टी। हाँ मगरिब की नमाज भी हो गई और उसके बाद चाय भी हो गई। बैठ के थोड़े से गप्पे मारे और अभी दानिश देख रहे कौन बनेगा करोड़पति। तो मैंने सोचा और ये मेरे डब्बे निकाले हैं दो बच्चों का नीचे का उनका चिकन है और साथ में दूध है। अब इसका कल की एक बात और बोलती हूँ। हम लोग 1 लीटर दूध लेकर गए थे तो मैंने क्या किया पहले सबको चिकन खिला दिया और उसके बाद मैंने सोचा कि चिकन के बाद फिर दूध पिला दूंगी। दूध तो पियेंगे ही ना वो लोग क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बीच बीच में मतलब लेकर जाते तो पीते है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि दूध मतलब दो ही जन ने दूध पिया बाकी लोग ने दूध पिया ही नहीं। तो इसके लिए इसके अंदर और मतलब दूध भी बचा है तो मैं आज दूध लेके जाऊंगी फिर से। लेकिन आज पहले उनको दूध पिलाऊंगी उसके बाद चिकन दूंगी। चिकन के ही सब दीवाने हैं और सबको बोनलेस चाहिए होता है। बोनलेस के अंदर हड्डी आती है तो हड्डी रहती है ना वो हड्डी बराबर निकाल के वो साइड करते हैं बिल्कुल हड्डी नहीं चबाएंगे। तो अभी मैं सबसे पहले करती हूँ मक्का उबालना है। मक्का खाएंगे उसके बाद नीचे चलेंगे। अभी पहले मक्के धो लेती हूँ तो यही मशीन पर मैं रखूंगी बॉईल के लिए और रख दिया ढक्कन। अभी बॉईल हो जाएंगे इसके ऊपर फटाफट। तो ये रहे मक्के बॉईल हो गए। आइए मक्का खाने के लिए। मक्का रेडी है। दानिश ने चालू भी किया है।
मक्का खाने के लिए आओ। तो आज का दिन होता है यहाँ पे खत्म। अभी हम जाएंगे नीचे मक्का खा के और यहाँ कुछ रेडी है वास्ता के ऊपर बैठ के जाने के लिए तैयार बेसबर एकदम। तो चलो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।